नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और मेरे वीडियो पे कमेंट्स भी आते थे कि जेसीबी मशीन में एसी क्यों नहीं आता, या आता भी है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेसीबी मशीन में एसी आता है और कहाँ पे कैसे लगा रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है जेसीबी 4DX। हालांकि जेसीबी के सभी मशीन के अंदर एसी का ऑप्शन हमको मिल जाता है, लेकिन वो स्पेशल ऑर्डर से बुकिंग करना पड़ता है। तो जब भी आप नया मशीन बुक कर रहे हो, कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है एसी की, तो आप एसी वाला मशीन बुक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको रेडिएटर के आगे ये एसी का कंडेंसर लगा मिलता है, जिसके दोनों साइड में आप देख रहे हो, दोनों साइड में एसी का पाइप है। साथ ही साइड में इंजन पे ये जो आप देख रहे हो, ये है एसी का कंप्रेसर। और उसके बाजू में लगा है आरडी बॉटल। तो चलिए चलते हैं कैबिन के अंदर और देखते हैं कैबिन में एसी यूनिट कहाँ पे लगा है। तो ये मीटर जो दिख रहा है, मीटर के जस्ट बाजू में जहाँ पे डिक्की आती थी छोटी सी, जहाँ पे हम टूल्स वगैरह रखते थे नॉर्मल मशीन के अंदर, उसकी जगह पे यहाँ पे है बड़ा सा एसी यूनिट। और उसको ऑन ऑफ करने के लिए मीटर के अंदर ही एक स्विच दिया गया है, और स्विच के बाजू में नॉब है जिसको घुमा के हम फैन का जो है स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। और ऊपर रूफ में हमें मिल जाते हैं एसी वेंट्स, जिससे पूरे कैबिन के अंदर जो है ठंडी हवा मिलती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि जेसीबी मशीन में एसी आता है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।